तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरुचरण सिंह अप्रैल 22 से गायब है। उनके पिता हरगीत सिंह ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और बताया कि वो कितने ज्यादा परेशान है। आपको बता दें कि उनकी पूरी फैमिली जो है इंतजार कर रही है गुरुचरण यानी सोडी जी के वापस आने का। एक इंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए हरगीत सिंह ने काफी सारी चिंता व्यक्त की अपने बेटे के गायब होने पर और काफी दुख भी जताया कि वो अचानक से इस तरीके से कैसे गायब हुए। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग है, हम जानते ही नहीं कि इससे कैसे डील करना है, हम सब बहुत परेशान हैं और जल्दी से जल्दी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस हमें कोई अपडेट दे, हम उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए ये सारी बातें उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बताई कि एक दिन पहले जब वो गायब हुए थे यानी 22 अप्रैल से एक दिन पहले उन्होंने यानी गुरुचरण ने अपने पिता के साथ उनका जन्मदिन मनाया था और उसके बाद वीडियो और फोटो पोस्ट करते हुए ये भी लिखा था वेरी डिवाइन बर्थडे फादर और उसके साथ एक हार्ट वाली इमोजी भी लगाई थी। हरगीत सिंह ने आगे बताया कि ऐसा कोई हमने बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया था पर हम सब लोग साथ में थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था। अगले दिन वो मुंबई के लिए जाने वाला था। वहीं एक्टर की फ्रेंड भक्ति सोनी ने भी बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया अपने फ्रेंड का पर वो नहीं आए तो फिर उन्हें लगा कि भैया गुरुचरण आ ही नहीं रहे हैं इसलिए शायद उन्होंने क्या पता अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए। ये तो थोड़े दिनों बाद उन्हें पता चला कि गुरुचरण मिसिंग हो चुके हैं। गुरुचरण के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है और साथ ही साथ 365 सेक्शन के अंदर लिखवाई गई है जो कि एक अबडक्शन के लिए रजिस्टर उन्हें किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले में हाल फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके मामले के बारे में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करते चैनल देखो देखो।